दोस्तों, लॉकडाउन के समय घर बैठे बैठे सारे लोग बोर हो रहे हैं। ऐसे में दूरदर्शन ने सभी के मनोरंजन के लिए रामायण और महाभारत जैसे ऐतिहासिक शोज का पुनः प्रसारण शुरू कर दिया है और इनमें भी रामानंद सागर के रामायण को बहुत लोग देख रहे हैं और इस शो की वजह से दूरदर्शन की व्यूअरशिप काफी बढ़ गई है। खासकर रामायण ने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। पहले के जमाने की तरह आज भी लोग इसके शुरू होते ही टीवी स्क्रीन के सामने बिल्कुल चिपक से जाते हैं। रामायण के दोबारा प्रसारित होने की वजह से इनमें काम करने वाले सारे कलाकार एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गए हैं और इन सभी की चर्चाएं सोशल मीडिया पर होने लगी हैं। ऐसे में आज हम आपको रामायण में लवकुश के किरदार निभाने वाले बाल कलाकारों के बारे में बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, रामायण में लवकुश बने बाल कलाकार अब बच्चे नहीं रहे, वो काफी बड़े हो गए हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि लवकुश का रोल प्ले करने वाले दोनों ही बच्चे मराठी बाल कलाकार थे। रामानंद सागर की रामायण में लव का किरदार निभाने वाले स्वप्निल जोशी और कुश का रोल निभाया था मयूरेश छत्रदे ने। रामायण को बने हुए लगभग 33 साल का समय बीत चुका है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बाल कलाकार वर्तमान में कितने बड़े हो गए होंगे। रामायण में लव बने कलाकार स्वप्निल जोशी अब बड़े होकर मराठी फिल्म इंडस्ट्री के एक फेमस एक्टर बन गए हैं। इसके अलावा ये कई सारे हिंदी सीरियल्स जैसे कि अमानत, दिल विल प्यार व्यार, हद कर दी, भाभी, देश में निकला होगा चांद, हरे कांच की चूड़ियां इत्यादि में काम कर चुके हैं। टीवी के अलावा स्वप्निल ने फिल्मों में भी हाथ आजमाया है। उन्होंने हम, गुलामे मुस्तफा, मितवा, वेलकम जिंदगी और तू ही रे जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। दूसरी तरफ रामायण में कुश बने मयूरेश छत्रदे फिलहाल अमेरिका की न्यूजर्सी में है। वो एक प्राइवेट कंपनी के अध्यक्ष और CEO हैं। इसके पहले वो कई कंपनीज में MD के पद पर काम कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त मयूरेश को लिखना भी बहुत पसंद है और बतौर राइटर दो अन्य विदेशी लेखकों के साथ मिलकर स्पाइट एंड डेवलपमेंट नामक एक बुक भी लिखी है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर इन दिनों लोगों का रामायण को लेकर काफी ज्यादा क्रेज है। आलम यह है कि लोग रामायण देखते ही अपनी सेल्फी और फोटो शेयर करने लगते हैं। इसके साथ ही रामायण के किरदार और डायलॉग्स के ऊपर भी बहुत सारे मीम्स बनने लगे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन मीम्स के ऊपर रामायण में लक्ष्मण बने सुनील लहरी का एक बयान भी आ चुका है। वो कहते हैं कि इन मीम्स को देखकर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, बल्कि वो तो इन्हें बहुत एंजॉय करते हैं। दोस्तों, फिलहाल रामायण में रावण का वध हो चुका है। ऐसे में इसके बाद लवकुश की कहानी भी शुरू हो जाएगी, इसलिए हम आपके लिए जानकारी पहले से ही लेकर आ गए। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ रोचक और रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।